नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कार और मिनी ट्रक में टक्कर होने से कार सवार 3 व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना अहले सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कार सवार तीनों व्यक्ति होटल से घर लौट रहे थे। इसी क्रम में तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़ी मिनी ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार तीनों व्यक्तियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी सनोज यादव, कैप्टन यादव और खगड़िया जिला निवासी प्रभाकर यादव के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना गोपालपुर थाना को दी गई। घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को कार से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया एवं दोनों गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के वक्त एक तेज आवाज आई, उन्हें लगा किसी ट्रक का टायर ब्लास्ट किया है, लेकिन जब नजदीक जाकर देखा तो एक कार ने मिनी ट्रक में टक्कर मार दी थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और सबको देखते ही दहाड़ मार कर रोने लगे। ये तो सर 3:30 बजे सर यहाँ आवाज की सुना पे हम यहाँ को थाना वाले को फोन किया सर। थाना वाले क्या हुआ है? तो हम तो होटल से थोड़ा दूर में सर, हम तो होटल चलाते हो क्या? जी सर। कौन, क्या नाम होटल का? प्रिया ढाबा। तो कैसे, क्या घटना हुआ, कैसे पता चला? तो पता आवाज से हमको पता चला था, धमक के आवाज से। कोई बोला टायर फटा, हम बोले ना एक्सीडेंट हुआ, तो आदमी वहाँ से दौड़ा तो देखा कि 3 आदमी ऐसे 3 आदमी मृत्यु हो गया है। जी सर। तो उसने फिर तुरंत कैसे 112 पर सूचना दिए थे क्या? नहीं सर, थाना गोपालपुर थाना। और गश्ती में आ रहे हैं वो लोग? जी सर, होटल पे चाय पी के तुरंत निकल गए थे सर। उसको पता चला कि होटल से घर जा रहा था मेरा भाई, और जो है सूचना मिला कि एक्सीडेंट हुआ, आके हम देखे तो हमारा भाई। कितने मतलब ये लोग तो मतलब घर ही आ रहे थे? हाँ, घर, होटल से घर आ रहा था। तीनों के तीनों खत्म? हाँ, तीनों प्लॉट डेट हो गया। तीनों की भवानीपुर के ही रहने वाले हैं क्या? ये वो है खगड़िया का, वो भी होटल में रहता था। अभी अस्पताल आए पोस्टमार्टम में? हाँ। क्या नाम है तीनों का? एगो प्रभाकर यादव है, एगो का सनोज यादव नाम है, एगो का कैप्टन यादव नाम है। भागलपुर के कजरैली थाना क्षेत्र के अमरपुर भागलपुर मार्ग पर कजरैली थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर लक्ष्मीनिया पुल के पास 2 साइकिल सवार छात्रा को तेज रफ्तार बस ने रौंद दिया, जिससे कि एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी छात्रा गंभीर रूप से जख्मी है। बस ड्राइवर बस छोड़कर फरार हो गया है। घटना की सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बस को जब्त कर भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग को 3 घंटों तक के लिए जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कजरैली पुलिस दल बल के साथ पहुंची, साथ ही 3 अन्य थानों की पुलिस भी पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से जाम को हटाया गया। वहीं पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी छात्रा को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भेजा गया। मृतक छात्रा की पहचान कजरेली थाना के कुमरथ निवासी प्रमोद चौधरी की 14 वर्षीय पुत्री स्वाति प्रिया के रूप में हुई है। साथ ही स्वाति प्रिया की सहेली रवीना कुमारी, जो कि कुमरथ निवासी पप्पू चौधरी की पुत्री है, वो गंभीर रूप से जख्मी है। दोनों छात्रा कजरैली स्कूल में 9वीं की छात्रा थी और कजरैली बाजार ट्यूशन पढ़ने शाम के 3 बजे साइकिल से रोजाना जाती थी और शाम को वापस आती थी। वहीं मृतक के पिता प्रमोद चौधरी ने बताया कि 3 साल से मेरी बेटी स्वाति प्रिया कजरैली पढ़ने जाती थी, लेकिन आज घटना में मौत हो गई। वहीं कजरैली पुलिस ने पंचनामा कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया है, साथ ही रो रो कर बुरा हाल है। कहाँ गई थी? स्कूल ट्यूशन पढ़ने। ट्यूशन पढ़ने? हाँ, कोचिंग करके। कोचिंग करने कहाँ जाती है? कजरैली। कजरैली कितने बजे निकली थी घर से? घर से कै बजे जाए पढ़े? लड़ाई बजे 3 बजे। ये घटना कब घटा? घटना बच्चे का नाम क्या है? स्वार्थी। फिर उम्र कितना है? 14 साल। हाँ। किस क्लास में पढ़ती थी? 9वां में। 40 साल की पत्नी अपने पति और 4 बच्चों को छोड़ सत्संगी बाबा के साथ भाग गई। मामला भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले शंकर मंडल की पत्नी उषा देवी सत्संगी बाबा के साथ फरार हो गई। इस पूरे मामले को लेकर शंकर मंडल गोराडीह थाने में मामला दर्ज कराया, मगर मामला दर्ज करने के बाद भी पुलिस के द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होता देख शंकर मंडल SSP के कार्यालय आवेदन लेकर पहुंच गए। इस पूरे मामले को लेकर शंकर मंडल ने बताया कि कुछ माह पूर्व हमारे घर एक
सत्संगी बाबा आए थे। इसके बाद लगातार हमारे घर सत्संगी बाबा आते जाते रहे और हमें भनक भी नहीं लगा कि हमारी पत्नी के साथ सत्संगी बाबा का प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब फरार हो गई तो पता चला उसी सत्संगी बाबा के साथ हमारी पत्नी फरार हो गई है। इसके बाद जब हम अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश किए तो पत्नी ने कहा न्यायालय में केस कीजिए और जब तारीख होगी तब हम आएंगे तो बात करेंगे। वहीं शंकर मंडल ने यह भी कहा कि हमें दो लड़की है और दो लड़का भी है। हालांकि हमारी दोनों लड़की की शादी भी हो गई है, इसके बाद भी हमारी पत्नी चार बच्चों और हमें छोड़ सत्संगी बाबा के साथ फरार हो गई है। मेरी पत्नी सत्संग बाबा के साथ में भाग गई है 18/6 को। भाग गई क्या होता था? वो सत्संग के बहाने से उसको लेकर के भागा। सत्संग पहले करती थी दोनों, हमारे यहाँ आता जाता था और आने जाने के दरमियान में उसको फंसा करके लेकर के भाग गई है। क्या पता चला कहाँ भागी है? भागी है तो अब कहाँ गायब हो गया है, गुम हो गया है, पता नहीं चल रहा है। बातचीत होती है क्या पत्नी से? हाँ बातचीत होता है। क्या बोलती है कि जाएंगे घर जाएंगे, लेकिन अभी तक तो आई नहीं है। लेकिन अभी इधर हमारे साथ से बात हुआ है, वो कहता है कि केस खुलवाइए तब हम तारीख पर जाएंगे, तब हम वहीं पर। कब से चल रहा था ये? कब से चल रहा? चक्कर 4-5 से चल रहा। आपको पता कब चला? पता तो अभी इधर हमको चला है, जब भागी है तब। पहले से कुछ मालूम नहीं था? पहले से मालूम नहीं। कितना दिन पहले भागी है? भागने से अब लगभग साल के लगभग हो गया। क्या होता था, क्या सत्संग करते थे? सत्संग सत्संग साधन वही करता था मार्सिन नहीं बाबा। इस बीच में क्या हो गया? इसी बीच में उसको लेकर के भाग के गया है। पत्नी की खुश नहीं थी आपसे? खुश नहीं था तो चार चार को बच्चा नाती नतनी कैसे है? चार बच्चा? हाँ दो बेटा है दो बेटी है। शादी वादी हो गया बेटी? बेटी का शादी हो गया है। नाना भी बन गया? नाना भी बन गया। तब भाग गई पत्नी? तब फिर भाग गई तो क्या विश्वास करेंगे हम उसके ऊपर में? और भागी है तो जेवर जेवरा 8,000 पैसा था घर में, वो सब लेकर के भागी है। क्या उम्र था पत्नी का? पत्नी का वही 40 लगभग। बाबा का? बाबा का भी 40-45 होता होगा। थाना गए थे, थाना में एप्लीकेशन दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं सुनाई। आज कहाँ आए? हाँ SP के पास आवेदन लेकर। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं हम यही कि उसको हाजिर किया जाए, इसने ऐसा गलती किया उसको हाजिर किया जाए। क्या काम करते हैं? काम हम खेती गृहस्थी मजदूरी यही करते हैं। चाहते हैं पत्नी आ जाए फिर से? हाँ आ जाए तो और अच्छा है, लेकिन आने के बाद अच्छी तरह से रहे तब ना। बाबा को क्या कहिएगा? बाबा को जेल होगा? जेल होना चाहिए। जेल नहीं होगा, वो विश्वासघात किया, हमारे यहाँ आता जाता था, वो लेकर के भाग गया। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है,
जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के पूर्व सांसद बुलो मंडल के राजद से जदयू में आने के बाद भागलपुर खासकर गोपालपुर विधानसभा की राजनीतिक परिस्थिति बदलने की बात कही जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में गोपालपुर से वर्तमान विधायक गोपाल मंडल का टिकट काटकर बुलो मंडल को दे दिया जाएगा। इसी बाबत जब विधायक गोपाल मंडल से पत्रकारों ने पूछा तो वो तिलमिला गए और कह दिया, गोपालपुर में सिर्फ गोपाल मंडल का ही रजिस्टर्ड टिकट है, हम ही लड़ेंगे। बुलो मंडल सठिया गए हैं। राजद से जदयू में आने के बाद वो डेड हो गए हैं, उनका वैल्यू घट गया है। राजद से जदयू में आने से जदयू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और क्या कुछ कह रहे हैं गोपाल मंडल, आपको सुनाते हैं। अब बोलो मंडल तो सठिया गए, तो जिंदा लाश है, उनसे कुछ होने वाला है? उनसे कुछ होने वाला नहीं, जदयू में अरे उनके उनको जवाब वहाँ मिल रहा है ना। तर आप लालटेन छापते यहाँ का बैठने के लिए जगह नहीं देता बुलो मंडल को। बुलो मंडल को स्टार प्रचारक छोड़ो, स्थिति तो जानबे करते हैं। तो डेड हो गए थे गोपालपुर में, गोपाल मंडल है तो कौन आ सकता है? बोलो बोलो कहे लगे गोपालपुर को जदयू में आए हैं? जदयू में आए थे कि दिमाग खराब हो गया उसका? हो गया। हमको लालू यादव 2005 में बुलाए थे, बीरपुर भेज रहे थे, बुलो मंडल पीछे में आया, बोला कौन लड़ता है? बुलो मंडल बुलाया, कल के शादी किया है, हक किए बच्चा पैदा हुआ तो नहीं कहे उनके पीछे में खड़ा था। बोला जाओ 5 साल के लिए बोलो गोपाल मंडल के लिए। नहीं सर, ये हमारा ही सीट छीन के हमको दे रहे हैं, पब्लिक रिवोल्ट कर जाएगी, हमको हरा देगा, इसलिए हम इस सीट नहीं आ जाए। हमको हमको लड़ना है डॉक्टर आर के राणा से, इनके खिलाफ कौन लड़ेगा? हम जीते या हारे लड़ेंगे इनके खिलाफ ना, गोपालपुर नहीं छोड़ के जाते। वोटरों में सर कंफ्यूजन है कि कहीं गोपालपुर सीट बोलो मंडल को तो नहीं मिल जाएगा सर, वो कहीं और मिल जाएगा? आप लोग जानते हैं हम कहीं जाने वाले हैं नहीं, कहीं आपको और ऊंचा पद के लिए। एक बार और बोले थे गोपाल जी आप बीरपुर चले जाए, नीतीश कुमार बोले थे हम बीरपुर नहीं जाएंगे, हम लड़े या नहीं लड़े पार्टी का समर्थक लोग हैं, काम करेंगे। गोपालपुर से बीरपुर नहीं जा सकते। बुलो मंडल आने से जदयू मजबूत होगा? बुलो मंडल तो ऐसा ही देर है, क्या जदयू मजबूत होगा भाई? कोनो वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है क्या, कुछ है कोई दम है? उसके आने से न भारी हो सकता है न हल्का, कुछ नहीं, काम हो रहा है, सब कुछ है, काम तो हो ही रहा है। सर बगल में जब तेली है सर, वोट का बहिष्कार भी किया गया, कहा कि बजरंग बली का किस्म खाया सांसद महोदय आया ही नहीं। खाए करेगा, अगर बहिष्कार किया तो उनको जाना चाहिए, जाने के बाद वोट जरूर देता, लेकिन गए नहीं, गलती किया। बिहार में क्या लग रहा है सर? बिहार में क्या लगेगा, एनडीए आएगी यही भी करेगा, कितना सीट आएगा? और 40 का 40 40 में 40 आ जाएगा एकदम बिल्कुल। कल तो आप 20 बता रहे थे। अरे कैसे हम बता सकते हैं, अभी सब तो बक्से में सबका भाग्य बंद है। बिल्कुल हम तो 40 का 40 बोलेंगे, एनडीए का है तो जंगल राज सबने देखा है, नहीं चाहता जंगल राज लोग। भागलपुर में लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, साथ ही व्यावसायिक समस्याओं में भी काफी परेशानियां व्यापारियों को आ रही है, जिसको लेकर आज ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभी पदाधिकारी व कर्मी एकजुट हुए और एक बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से शहर की सभी समस्याओं को लेकर और व्यावसायिक समस्याओं के निदान को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। इस बैठक में पूर्वी बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के कई पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष श्रवण कुमार बाजोरिया ने की। कॉमर्स ये चेष्टा शुरू से लगा है, कॉमर्स ये मैं बता के निकला हूँ कि हम लोग कॉमर्स की चिट्ठी में आपको दिखा सकता हूँ कि अगर कोई भी विषय पर चिट्ठी लिखते हैं तो माननीय संबंधित पदाधिकारी से शुरू करके पीएमओ तक हम लोग चिट्ठी लिखते हैं। अभी रेलवे की एक प्रॉब्लम आया कि रेलवे के लीज को प्राइवेट आदमी को दे दिया गया, जबकि रेलवे के सारे पदाधिकारी सारे वरीय पदाधिकारी चेंबर में मीटिंग लिए और सारे कोरियर्स वाले को यहाँ बुलाया गया कि आप हमसे जुड़िए, आप हमको माल दीजिए, सर्विस मैं आपको अच्छी दूंगा। जब ये लोग सर्विस देना शुरू किए तो उन्होंने एक प्राइवेट आदमी को लीज पर दे दिया और उसने एक मतलब ये कहा जाए ना कि एक निकाल दिया उसे एक चिट्ठी, या उसको ये कहा जाए कि मतलब उन्होंने एक जोर जबरदस्ती ऐसा किया कि मैं 2 घंटा पहले लूँगा 1 घंटा बाद लूँगा। आज वो डाके सारी नहीं जाती है, रेवेन्यू का किसको नुकसान हो रहा, सरकार को नुकसान हो रहा है।
आप एक तरफ तो बात करते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, व्यापारी वर्ग के साथ हूँ, और दूसरी तरफ आप ऐसा कोई कानून ला जाते हैं जिससे आज हमारे कुरियर वाले सब जो है अब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे सरकार को सपोर्ट होगा, क्या सरकार की नीतियाँ हैं, ये हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है। दुकान में अपना ठेला लगाता है तो जुर्माना जो है वो दुकानदार को देना पड़ेगा। तो ये बता देना चाहते हैं कि ये प्रशासन की सहस ही लोग फुटपाथ पे दुकान लगा रहे हैं और दुकानदार किसी भी कीमत पे फुटकर विक्रेताओं से झंझट नहीं कर सकता है। वो बोलेगा कि आपका सड़क है क्या, ये सरकारी सड़क है, हम लगाएं, आप हमारा क्या कर लीजिए। तो कोई भी दुकानदार इस चीज़ में उलझना नहीं चाहता, और अगर प्रशासन चाहेगा तो उस जाम को, उस फुटकर विक्रेता को वहाँ से वो चाहेगा तो तुरंत ही वहाँ से हटा लेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन का हिस्सा है कि वो खुलकर विक्रेता वहाँ पे अपनी दुकानें लगा रहे हैं। प्रशासन चाहेगा तो कुछ भी हो जाएगा। पूर्व में आपने देखा होगा संडे की खबर है कि शाह मार्केट में चार दुकानों में ताला लग गया था, लेकिन नजायज तरीके से लगा था, प्रशासन ने चाहा तो वो ताला खुल गया। पूर्व में प्रशासन ने नहीं चाहा तो नहीं खुला, लेकिन उस बार प्रशासन ने चाहा तो वो ताला खुल गया। तो प्रशासन में इतनी ताकत है कि वो चाहेगी तो सही चीजें धरती पर धरातल पे उतर के आएंगे। प्रकृति द्वारा दिया गया कोई भी सामग्री इस धरती पर वेस्ट नहीं है, इस चीज को साबित कर दिखाया है नौगछिया के रहने वाले रितेश कुमार ने। रितेश ने वेस्ट को ऐसा बेस्ट बना दिया कि लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। दरअसल रितेश वेस्ट चीजों से चाय पीने वाला कप तैयार कर रहे हैं और इस कप को लोग पसंद भी कर रहे हैं। दाम कम होने की वजह से अच्छी खासी डिमांड में यह कप आ चुका है। जब इस कप को लेकर रितेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया, इसको हम कई वेस्ट मटेरियल से तैयार करते हैं। गन्ना के बचे वेस्ट मटेरियल, चावल के बचे वेस्ट मटेरियल, लकड़ी की कुन्नी, मौसम्बी का छिलका, केला का पत्ता, केला का थंब समेत कई चीजों से इस कप को तैयार किया जा रहा है। यह देखने में काफी खूबसूरत लगता है और सबसे खास बात यह है कि जब लोग गन्ने के बने कप में चाय पीते हैं तो उसकी मिठास दोगुनी हो जाती है। इसका कारण है कि गन्ना पहले से मीठा होता है और जब उसमें चाय डाला जाता है तो उसकी मिठास और बढ़ जाती है, इसलिए लोगों को यह कप काफी पसंद आ रहा है। रितेश ने बताया कि हम लोग सब दोस्त मिलकर जब पढ़ाई किया करते थे तो एक दोस्त ने लाइब्रेरी खोल लिया और वो हर समय एक ही बात बोलता था, देखो हम कुछ कर रहे हैं, तुम कुछ क्यों नहीं करते। इससे परेशान होकर मैंने YouTube पर सर्च करना शुरू कर दिया तो मुझे इस कप के बारे में पता चला, यह आइडिया भी काफी पसंद आया, तभी मैं उस कप को बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी यह बिहार समेत 3 राज्यों में यहाँ कप जाता है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में इस कप की काफी डिमांड हो रही है। उन्होंने बताया सबसे खास बात कि यह कप 1 रुपये में लोगों को उपलब्ध हो जाता है। ये जितना भी वेस्ट चीज़ होता है उससे बनता है, जैसे केतारी का वेस्ट हो गया उससे, केला का पत्ता, केला का थाम, धान का भूसी है उससे बनता है, हर तरह का सब्जी का छिलका हो गया, फल का छिलका हो गया, हर तरीके के वेस्ट से बनता है और ये किसी तरह का कोई हार्मफुल नहीं है, केमिकल इसमें किसी तरह का कोई केमिकल मिला हुआ नहीं है। एक्चुअल में एग्रीकल्चर इंटर एग्रीकल्चर किए हुए थे, उसके बाद धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर में ही थोड़ा हम अपना स्कोप बनाना चाह रहे थे। फिर एक दिन यूट्यूब में सर्च किया तो यूट्यूब में कुछ हमको इस तरह का मिला और हम स्टार्ट किए। मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं। बेशक वो चीनी पेशेंट वाले, जो शुगर पेशेंट वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो चीनी डाल करके चाय नहीं पीते हैं, और अगर हम केतारी का इससे बनाते हैं तो वो चाय आसानी, जब चाय पीते हैं तो उसमें मिठासपन का एहसास होता है और भी अच्छा है। किसी तरह का जितने भी पेशेंट सब हैं, पेशेंट अगर इसमें चाय पीते हैं तो वो कोई हानिकारक नहीं है, उसमें बहुत अच्छा है पेशेंट सबके लिए भी। और आज के जो वृद्धावस्था वाले लोग जो होते हैं उनके लिए भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आप इसमें चाय पीते हैं तो इसमें आपको वो एनर्जी आएगा जो अन्य किसी कप में नहीं आता है। ये मशीन हम चेन्नई से लाए हैं, चेन्नई का एक डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में वहाँ से हम लेकर के आए हैं। किस योजना से पैसे लाए? उद्यमी योजना से लाए हैं, सरकार का उद्यमी योजना के तहत हमको लोन मिला था, उससे हम मशीन लेकर के आए हैं। लोन 6 लाख मिला था और जिसमें मशीन का कॉस्ट 4 लाख है और फिर बाकी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए 2 लाख। अभी कितने लोग साथ में काम कर रहे हैं? मेरे साथ सिर्फ हम और मेरी मम्मी हैं। ये अभी हम लोग छोटा बिजनेस से ही स्टार्ट किए हैं, फिर धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ाने का प्लान में हैं। लगभग 6 महीने के अंदर में हम लोग और भी बनाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग कप ही बना रहे हैं, इसके बाद हम लोग थाली, कटोरी, गिलास सब तरह का हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। अभी मेरा 4 जगह बाहर में जा रहा है, एक मध्य प्रदेश में, एक उड़ीसा में, एक उत्तर प्रदेश में और एक पटना में जा रहा है, उसके बाद लोकल एरिया में
थोड़ा थोड़ा करके जाता है। ये तो केतारी से बनाए रहल छै, भूसी छै, जे वेस्ट जितना सामान छै ओ सबसे बनै छै। फायदा मार्केट में सबके लिए फायदा छै, एकरा से कोई नुकसान नहि, वातावरण भी शुद्ध, जे सब पिए छै ओकरा लिए बढ़िया, बेटा देखलकै ओकरा अच्छा लगै, और वैसे भी देखबै तो ये सब अच्छा चीज छै, कोई खराब नहि छै, हमहूँ सपोर्ट कर लिए कि नहीं बढ़िया चीज छै, ठीक छै।